बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर के विधानसभा रोड किनारे अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस ने बेतरतीबी तरीके से खड़े होने वाले वाहनों को अतिक्रमण और जर्जर सड़क को लेकर राज्य सरकार से पूछा है कि बदहाल सड़कों पर वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आना जाना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आम आदमी भी गुजरते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। बता दें कि विधानसभा जाने वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। रोड पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण पूरे समय धूल का गुबार उड़ता है। दो पहिया वाहन चालकों को इससे परेशानी होती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। बुधवार को केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने राज्य शासन के वकील से पूछा कि रोड किनारे वाहन खड़ा करने की अनुमति किसने दी है, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी है या नहीं, अगर दुर्घटना घट जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, सड़कों की हालत कब सुधरेगी, खंभों पर बिजली कब तक लगेगी और सड़क किनारे भारी वाहन को हटाने को लेकर चीफ जस्टिस ने राज्य शासन को शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। नाराज चीफ जस्टिस ने सरकार से यह भी पूछा है कि यह नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे। सरकारी वकील ने जब जवाब दिया कि यह रिंग रोड है, तब उन्होंने कहा जो भी जिम्मेदार है उन्हें आम लोगों के जीवन की परवाह है भी या नहीं है। बता दें कि विधानसभा मार्ग धनेली से मंदिर हसौदा जुड़ा हुआ है। सैकड़ों ग्रामीण के आवागमन का यह प्रमुख मार्ग है। सुबह से लेकर रात तक सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, इसके कारण धूल उड़ती रहती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।